इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो फ्यूचर में होने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है उसे वो किसी तरीके से पता चल जाता था। यानी कि एक तरीके से क्रिस आने वाले 2 मिनट के फ्यूचर देख सकता है। क्रिस तो इन्हीं टेक्निक का यूज करके कैसीनोज में जाता था और काफी सारे प्राइजेस जीतता था, लेकिन उसने कभी भी ज्यादा पैसे जीतने की कोशिश नहीं की क्योंकि इससे वो लोगों की नजरों में आ जाएगा और सभी उसे पकड़ सकते थे। इसीलिए क्रिस छोटे मोटे गेम्स खेलकर पैसे जीत जाता क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी जो थी। क्रिस एक दिन इसी तरीके से कैसीनो में बैठकर लगातार जीतता ही जाता है और काफी सारे पैसे ले लेता है। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी सेंटर में बैठा हुआ कैसीनो के मालिक की नजर क्रिस के ऊपर चली गई थी। उन सभी लोगों को तो क्रिस के ऊपर शक होने लगा था, इसीलिए उसके ऊपर नजर रखी जाती है। लेकिन क्रिस को शायद ये बातें पहले से ही पता थी, इसीलिए वो कैमरा की तरफ देखने लगा और सही समय पर कैसीनो से बाहर निकल गया क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आगे आने वाले 2 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। अब क्रिस डायरेक्टली ट्रेवल करता हुआ अपने एक दोस्त के पास आ गया था। उसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से चले जाने चाहिए, लेकिन क्रिस ने कहा कि जब तक मुझे वो विजन में आने वाली लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दरअसल बात यह होती है कि क्रिस को अपने सपनों के अंदर एक अजीब तरीके की लड़की के विजन्स आते थे और क्रिस चाहता है कि वो उस लड़की से मिले और पता लगाए उसके विजन का रहस्य क्या है। क्रिस ने तो उस लड़की को एक कैफे के अंदर देखा था, इसीलिए हर समय जब भी उसे समय मिलता क्रिस उसी कैफे के अंदर आकर लड़की का वेट करने लग जाता। लेकिन क्रिस के इतने वेट करने के बावजूद भी उसे वो लड़की नहीं मिलती। अब हमें कैली नाम की एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका बॉस आकर कह रहा था कि आतंकवादियों ने हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब को चुरा लिया है और अगर वो चाहें तो हमारी सिटी के ऊपर फायर कर सकते थे। इसीलिए अब ये नेशनल सिक्योरिटी बनती है कि हमें उन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को वापस लेना होगा। अब ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए कैली कहती है कि इसमें सिर्फ हमारी मदद क्रिस ही कर सकता है, क्योंकि कैली को कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था क्रिस की उन अनजान पावर्स के बारे में, जिस तरीके से वो कैसीनो में लगातार गेम जीतता जाता है। हालांकि क्रिस ने सभी को बता रखा है कि वो एक नॉर्मल मजीशियन है, लेकिन कैली को भरोसा था कि वो मजीशियन से ऊपर है और हमारी इस मिशन में मदद कर सकता है। कैली तुरंत ही अब ट्रेवल करते हुए क्रिस के घर पर आ गई और उससे पूछने लगी कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। क्रिस एकदम शॉक हो गया और कैली से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। तब जाकर कैली उसे कहती है कि तुमने जो कैसीनो से कार चुराई थी वो हमारी थी और उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था जिससे कि मैं यहाँ पर आ गई। कैली अब क्रिस से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बॉम्ब चुरा लिया है और मुझे लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी इसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी हमारी। क्रिस तो इन सारी चीजों के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता है, लेकिन अब कैली कहने लगी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गाड़ी चुराने के इल्जाम में जेल में डाल देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये सारी चीजें क्रिस इमेजिन कर रहा था फ्यूचर में देखकर, यानी कि उसे पता चल जाता है कि आने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है और अब तक कैली वहां पर पहुंची नहीं होती, इसीलिए अब क्रिस अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर भाग जाता है। यानी कि कैली को क्रिस मिला ही नहीं था और वो उससे पूछताछ भी नहीं कर पाई। अब हमें उसी कैसीनो के मालिक को दिखाया जाता है जिसे कि 2 लोगों ने घेर लिया था। दरअसल ये वही आतंकवादी होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब चुराया था और अब वो दोनों कैसीनो के मालिक से क्रिस के बारे में पूछ रहे होते हैं। हालांकि कैसीनो के मालिक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब उन आतंकवादियों ने कैसीनो के मालिक को जान से मार दिया, जिसके बाद वो क्रिस की तलाश में कहीं दूर निकल जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रिस दिखाया गया जो कि उसी कैफे में आकर उस लड़की का वेट करने लगा जिसे कि वो लगातार विजन्स में देखता जा रहा था, और अब यहाँ कई देर तक वेट करने के बाद आखिरकार वो लड़की उसके सामने आ ही जाती है। क्रिस तो उसे लगातार देखता जा रहा था, लेकिन वो क्रिस को बिल्कुल पहचानती नहीं। दरअसल उस ब्यूटीफुल लड़की का नाम लीज होता है, जो कि पास ही वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। अब यहाँ क्रिस सोचने लगा कि वो लीज से कैसे जाकर बात करे जिससे कि वो ज्यादा ऑकवर्ड भी ना हो, इसीलिए क्रिस आने वाले 2 मिनटों में वो किस तरीके से अप्रोच करेगा उसकी पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। हर बार क्रिस लिस से बात करने जा रहा था तो वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाती। इसी तरीके से कई पॉसिबिलिटीज देखने के बाद क्रिस को हमेशा निराशा ही मिलती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी में लिस का बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है जो कि उसके साथ पैचअप करना चाहता था। वो तो लिस का हाथ भी पकड़ने लगता है जिससे कि लिस को अच्छा नहीं लगता। तभी क्रिस ने उस पॉसिबिलिटी में जाकर लिस के बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लिया। लिस का बॉयफ्रेंड उसे जोरदार मारता है जिससे कि लिस अपने ही बॉयफ्रेंड को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, और उसी पॉसिबिलिटी में उसने क्रिस से बातें भी की थी।
यानी कि इस चांस में लिस क्रिस से बात करेगी। इसीलिए क्रिस उसी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करता है और रियलिटी में भी लिस से बातें करने में कामयाब हो जाता है। क्रिस कहने लगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है और मुझे अपने घर जाना है। तभी लिस कहती है कि मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें रास्ते में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्रिस इस बात के लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे लिस से बातें जो करनी थी, इसीलिए अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर दूर कहीं सफर पर निकल जाते हैं। वहीं अब हमें कैली को दिखाया गया जो समझ जाती है कि क्रिस अपनी एबिलिटी की मदद से फ्यूचर देख पा रहा है, इसीलिए वो हमसे बचकर बड़ी आसानी से निकल गया। तभी कैली को ये न्यूज मिलती है कि कसीनो के मालिक को उन आतंकवादियों ने जान से मार दिया है, जिससे कि कैली को भी समझ में आता है कि क्रिस की एबिलिटी के पीछे और भी कई लोग पड़े हुए हैं जो उसका अपने लिए गलत यूज करना चाहते थे। अब हमें यहाँ पर वो सारे आतंकवादियों की टीम दिखाई जाती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने पास रख के असेंबल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी मदद से अपने प्लान को पूरी तरीके से कामयाब बनाना था। लेकिन उन्हें भी पता चल जाता है कि एनएसी की एक ऑफिसर कैली क्रिस के पीछे पड़ी हुई है, और क्रिस के बारे में तो इन सारे लोगों को पहले से ही पता था कि उसके पास एबिलिटी है फ्यूचर देखने की। लेकिन अगर कैली उसे अपने पास पकड़ लेगी और उसकी एबिलिटी का यूज अपने लिए करेगी तो हमारे प्लान में भी रुकावट आ सकती थी। इसीलिए अब वो सारे लोग भी ट्राई कर रहे होते हैं कि क्रिस का कैसे भी पता चल जाए जिससे कि उसकी एबिलिटी हम अपने लिए यूज करें। अब हमें दूसरी तरफ क्रिस और लिस को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवल करते हुए एक छोटे से गांव की तरफ पहुंच गए। दरअसल ये एक ऐसी जगह होती है जहां काफी सारे अनाथ बच्चे रहा करते थे। लिस तो इन्हीं बच्चों को कुछ समय पहले पढ़ाया करती थी, और आज उन्हीं में से किसी एक बच्चे का बर्थडे होता है, इसीलिए लिस उनके लिए प्रेजेंट लेकर आई होती है। लिस इतने समय बाद बच्चों से मिल रही थी, इसीलिए सभी बच्चे उसे बड़े प्यार से गले लगाकर घेर के बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची लिस से पूछ रही थी कि क्या ये आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल वो क्रिस के बारे में बात कर रही होती है, जिसे कि लिस ने जब ये समझा तो वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन लिस भी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि क्रिस उसे बड़े प्यार की नजरों से देखता है, जैसे कि वन साइडेड लवर से देखा करते हैं। अब अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लिस और क्रिस कार की मदद से वापस जाने लगे। काफी बारिश हो रही होती है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि आगे का रास्ता बंद है, इसीलिए उन्हें सुबह तक वेट करना पड़ेगा। दोनों के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो एक मोटेल में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक रात गुजारनी पड़ेगी। अब यहाँ क्रिस और लिस को लकीली एक कमरा मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ही बेड था, इसीलिए अब क्रिस लिस को कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ और मैं कार में जाकर सो जाऊंगा। हालांकि अब काफी रात होने के कारण लिस खिड़की से लगातार क्रिस को देखते जा रही थी, और कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि क्रिस ने अभी तक उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया और गलत काम करने का ट्राई भी नहीं किया। यही सारी बातें लिस को पसंद आ गई थी क्रिस के अंदर। सुबह होने के बाद जब क्रिस लिस से मिलने के लिए आता है तो लिस नहा रही थी, पर वो नहाते हुए बाहर आ गई क्योंकि अब वो भी क्रिस को पसंद करने लगी है। दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख लेते हैं और पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां भी कम हो गई थी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोनों को अब काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। लिस अब कुछ घंटों बाद मार्केट चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। वो जब सामान लेकर वापस लौट ही रही थी तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की वो ऑफिसर कैली आ जाती है, जिन्होंने लिस को क्रिस के साथ देखा था। इसीलिए अब कैली और उसके साथियों ने लिस को अपने साथ पकड़ लिया होता है, जो कि उसे समझा रहे थे कि क्रिस दिमागी तौर पर पागल हो चुका है और वो मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहां पर आ गया है, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्रिस को पकड़ने के लिए। वो सभी तो लिस को मेंटली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम्हें मदद करनी ही होगी। लिस ना चाहते हुए भी इसके लिए कन्विंस हो जाती है। उन्होंने लिस को एक बेहोशी की दवाई दी, जिसे कि उसे क्रिस की ड्रिंक में मिलाना होगा। लिस तुरंत ही अब घर के अंदर आ गई और ना चाहते हुए भी गोलियों को क्रिस की ड्रिंक में डाल दिया। पर क्रिस जैसे उसे पीने जाता है तभी लिस ने उसे हटा लिया होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस धोखे में क्रिस को रखे। इसीलिए उसने सारी बातें उसे बता दी थी कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी के कुछ एजेंट्स ने मुझे ये करने के लिए कहा और वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। तब जाकर क्रिस अपनी भी सच्चाई बता देता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। मैं बाकी लोगों के साथ सिर्फ 2 मिनट के आगे का ही समय देख सकता था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं और भी लंबे समय का फ्यूचर देख पा रहा हूँ। ये बातें जानने के बाद लिस एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि तब उसे रियलाइज होता है कि उससे मिलने का सारा प्लान क्रिस ने फ्यूचर देख कर ही किया था और वो उसे मैनिपुलेट करना चाहता था, ना कि वो मुझसे प्यार करता है। लिस का इस बात से दिल टूट जाता है और वो काफी ज्यादा नाराज भी हो जाती है। अब अचानक थोड़ी देर के अंदर क्रिस ने देखा कि वो सारे ऑफिसर्स मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए अब क्रिस ने लिस को एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया होता है, जो उसे बोल रहा था कि मैं जब यहाँ से निकल जाऊँ तो 1 मिनट बाद इसे पढ़ना और जैसा मैंने लिखा है वैसा ही करना।
क्रिस पेपर पर लिखने के बाद तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। सारे ऑफिसर्स अब क्रिस के पीछे पड़ गए थे जो उसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे जिंदा पकड़ना था ताकि वो उसके मिशन में काम आ सके। लेकिन एक मिनट बीतने के बाद जैसे ही लिज ने वो पेपर पढ़ा तब वो वही सारी चीजें करने लग जाती है। दरअसल उसमें क्रिस ने लिखा होता है कि तुम पुलिस की गाड़ी पहाड़ से नीचे फेंक देना जिससे कि कई सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे। और क्रिस ने ये फ्यूचर पहले ही देख लिया होता है तो उसे पता था कि उस गिरती हुई गाड़ी से बचना कैसे है। सेम टू सेम ऐसा ही होता है और क्रिस उससे बचते हुए नीचे की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन अब उसके ठीक सामने कैली मौजूद थी जिसने की उसके ऊपर गन तान दी होती है। लेकिन क्रिस कह रहा था कि तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर काफी सारी लकड़ी के टुकड़े गिरने वाले हैं। पर पता नहीं क्यों कैली वहां से हटती नहीं और कहती है कि तुमने तो फ्यूचर देख लिया है, इसीलिए तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मैं यहां से हटनी नहीं वाली। दरअसल कैली को कॉन्फिडेंस था कि क्रिस एक बुरा आदमी नहीं है, वो अच्छा काम नहीं करता लेकिन किसी की जान भी नहीं लेता। क्रिस ने भी जब नोटिस किया कि कैली वहां से हट नहीं रही है तो वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला गया, क्योंकि थोड़ी ही देर के अंदर अंदर पहाड़ के ऊपर से काफी सारी लकड़ियां नीचे गिरने लग जाती हैं। यहां क्रिस ने कैली की जान बचा ली थी पर उसे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। इसी मौके का फायदा उन सारे ऑफिसर्स ने उठाया और क्रिस को अपनी हिरासत में भी ले लिया। अब हमें लिज दिखाई जाती है जो कि रास्ते पर चल रही थी, लेकिन तभी उसे वही सारे आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ क्रिस ने कैली की जान भी बचाई लेकिन उसे हेडक्वार्टर में बंदी बना कर रखा जाता है। उसके आंखों पर कुछ लगा दिया जा रहा था और दिमाग के सारे मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। कैली ने अब क्रिस के सामने एक न्यूज लगा दी जिसमें उन्हीं सारे आतंकवादियों की न्यूज चल रही होती है। और अब कैली कह रही थी कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी क्योंकि ये कई सारे लोगों की जान का मामला है। कैली ने तो क्रिस से साफ साफ कहा कि तुम फ्यूचर देखकर बताओ कि आखिरकार हमला कहां पर होने वाला है। क्रिस तो फ्यूचर में देख रहा था कि उन सारे आतंकवादियों ने लिस को किडनैप कर लिया है और वो उसकी लगातार जान लेने वाले हैं। इस बात से क्रिस काफी ज्यादा घबरा गया और लिस को उसे खोलने के लिए कहा क्योंकि उसने कुछ देखा होता है और उसे लिस की जान बचानी थी। क्रिस को ओपन करते ही वो लगातार फ्यूचर देखने लगा और उसी तरीके से फॉलो करते हुए उन सारे ऑफिसर को चकमा देकर वहां से भाग गया। क्रिस अब उसी जगह पर डायरेक्टली आ जाता है जहां आतंकवादियों ने लिस को पकड़ कर रखा था। कैली भी अब क्रिस के पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि उसे ये सारे धमाके रोकने थे। क्रिस ने तो अब कैली को बताया कि इसी जगह पर मुझे कुछ देर बाद गोली मार दी जाएगी और वो सारे आतंकवादी लिस को भी खत्म कर देंगे। क्रिस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी और लिस की जान कैसे बचाए, लेकिन तभी कैली उसे भरोसा दिलाती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैली तो उसे समझाती है कि उस कार के नंबर को याद करने की कोशिश करो जिसमें कि वो आतंकवादी यहाँ पर आए थे, और मैं तुरंत ही FBI ऑफिसर्स को बुलाकर चारों तरफ के सिग्नल जैम करा दूंगी। कैली ने तो क्रिस से कहा कि तुम जल्द से जल्द उसी जगह पर चले जाओ जहां तुम्हें गोली लगेगी, क्योंकि ये प्लान एकदम उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए पर हम उनसे आगे रहेंगे। क्रिस अब यही सारी चीजें करते हुए उस जगह पर चला जाता है जहां उसे गोली लगने वाली थी। अचानक एक स्नाइपर ने तुरंत ही फायर किया जिससे कि वो गोली तुरंत ही क्रिस को आकर लग जाती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। बिल्डिंग के एकदम टॉप पर वो आतंकवादी होता है जिसने कि क्रिस को गोली मारी थी, और अब वो अपने बॉस को कॉल करके बताने वाला था कि मैंने काम कर दिया, पर उसका सिग्नल कनेक्ट ही नहीं होता और FBI ऑफिसर्स को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन कहां है। तुरंत ही वो हेलीकॉप्टर से ऊपर आते हैं और उस आतंकवादी के ऊपर फायर करके उसे जान से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद हमें क्रिस दिखाया गया जो कि एकदम नॉर्मल होता है क्योंकि उसने पहले ही फ्यूचर देख लिया था और क्रिस को पता था कि उसे किस जगह पर गोली लगने वाली है। उसने उस जगह पर बुलेट प्रूफ सूट पहन लिया था जिससे कि उसे जरा भी चोट नहीं लगती। अब यहाँ क्रिस अपना पूरा दिमाग लगाते हुए उस गाड़ी के बारे में पता लगाने लगता है जिसके अंदर वो आतंकवादियों ने लिस को पकड़ कर रखा है। वो तुरंत ही उस गाड़ी के नंबर और लोकेशन का सब पता लगा ले रहा था, और अब क्रिस उन सारे ऑफिसर्स की मदद करता है आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए। क्रिस ने तो उस जगह पर हमला करने का आदेश दे दिया होता है जहां पर उनकी जीत ही होगी, यानी कि उसने पहले फ्यूचर देख लिया था कि उस समय तक क्या होने वाला है। क्रिस के बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही सारे लोग अब वर्क करने लगते हैं और उन आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंचकर हमला करते हैं। सारे टेररिस्ट काफी ज्यादा चौंक गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अब उन टेररिस्ट के बॉस ने तो लिस को पकड़ लिया होता है जिसकी पूरी बॉडी पर बॉम्ब्स लगाए गए थे। लीडर तो कहने लगा कि अगर हम सब यहां से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मैं लिस को नहीं छोड़ूंगा और उसे जान से मार दूंगा। वो तो लिस को काफी अंदर तक लेकर जाने लगा जहां उसे कोई पकड़ नहीं सकता। वहीं अब क्रिस सारे ऑफिसर्स को अपने चारों तरफ घेर के बता रहा होता है कि कौन सी गोली किस जगह पर आएगी और कौन सा टेररिस्ट किस जगह पर है, जिससे कि उनकी काफी हेल्प हो रही होती है और उनमें से एक भी लोग मारा नहीं जाते। सारे लोग टेररिस्ट को खत्म करके उस कारखाने के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर लीडर ने लिस को छुपा कर रखा था। अब यहां से क्रिस ने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट कर दिया होता है।
लेकिन वो हर बार जब भी उस लीडर के पास जा रहा था लिस को बचाने के लिए, तो उसे गोली लग जा रही थी और वहीं खत्म हो जा रहा था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी उसे ऐसी मिल जाती है जिसमें कि वो लिस को भी बचा ले रहा था और उस लीडर को भी जान से खत्म कर देते हैं। क्रिस ने सेम टू सेम वैसा ही किया और ऑफिसर को गाइड करते हुए उस लीडर के ऊपर हमला करवाया, जिससे कि अब काफी ज्यादा मेहनत के बाद सभी लोग उस लीडर को जान से मार देते हैं और लिस आजाद हो गई थी। लिस की बॉडी पर काफी सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे जिससे कि डीएक्टिवेट करके वो बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि अब यहाँ लिस की भी जान बच गई, जिससे कि क्रिस और बाकी सारे ऑफिसर्स काफी खुश होते हैं। पर तभी क्रिस को थोड़ा फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें कि उसे खतरा महसूस हो रहा था। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि हम सभी को गुमराह किया गया है। उन टेररिस्ट ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब को पहले ही एक्टिवेट कर दिया था, जो कि कुछ ही समय में ब्लास्ट होने वाला है, जिससे कि ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। क्रिस ने तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट किया, लेकिन वो किसी भी हालत में न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने से बचा नहीं सकता। उसने तो ऑफिसर्स के सामने हार मान ली थी कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें अब मरना ही होगा। थोड़ी ही देर में वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि क्रिस और लिस के साथ साथ वहां मौजूद जितने भी ऑफिसर और लोग थे वहीं खत्म हो जाते हैं। पूरी की पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन अब इन सारी चीजों के बावजूद अचानक क्रिस की आंखें खुल जाती हैं। तब जाकर हमें एक डार्क रियलिटी के बारे में पता चला कि क्रिस अभी तक जितनी भी सारी चीजें देख रहा था वो तो उसका फ्यूचर होता है जो अभी तक हुआ भी नहीं। क्रिस तो लिस के साथ उसी होटल में मौजूद होता है जहाँ पर वो दोनों संबंध बना रहे थे, और वहीं से उसने अपने आगे आने वाले टाइम की सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें देख ली कि कैसे वो लोग लिस को किडनैप करते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। अब इतनी सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने के बाद क्रिस ने डिसीजन लिया कि वो कैली और उसके ऑफिसर्स की मदद करेगा उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे अब न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन का पता जो चल चुका था। क्रिस किसी भी हालत में लिस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो उन ऑफिसर्स की मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्रिस ने लिस को सारी बातें बताई और अब वो निकल पड़ा था कैली के पास उसकी मदद करने के लिए। क्रिस कहता है कि मुझे पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ है और वहाँ जाकर हम उसे ले भी सकते हैं, लेकिन लिस की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसकी प्रोटेक्शन करो। कैली और उसके ऑफिसर्स कंफर्म करते हैं कि हम लिस की प्रोटेक्शन जरूर करेंगे, जिसके बाद क्रिस ऑफिसर्स के साथ पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढने लगता है, और कुछ ही समय में वो न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करके अपने पास भी रख लेते हैं। यानी कि ये शॉकिंग बात है कि क्रिस जो 2 मिनट के ही फ्यूचर वाली चीजें देख पाता था, वो जब अपने विजन में मौजूद उस लड़की यानी कि लिस से मिलता है तो वो 2 मिनट से भी ज्यादा कई दिनों तक की फ्यूचरिस्टिक चीजें देख पा रहा था। यानी कि लिस उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और उसके साथ रहने पर क्रिस की पावर्स काफी बढ़ जाती, और यही रीजन था कि क्रिस जब लिस के साथ मौजूद होता है तो उसने काफी सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें देख ली थी। उसी हिसाब से उसने काम किया जिसकी वजह से सारी चीजें ठीक हो गई और हमारी भी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।